करेंगे अगले लेक्चर, थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम्स करते जाएंगे हम और लास्ट में एक कंसेप्ट सीखेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ कॉम्बिनेशन पार्ट. ठीक है? ओके. इफ सपोज 1 2 3 5 7 8 9 ये नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सात नंबर्स आते हैं. ऑब्वियसली आप बोलोगे सात में से सात को अरेंज करना है, तो 7 फैक्टोरियल नहीं, मुझे सात में से चार को अरेंज करना है, इसका आंसर क्या रहेगा? 74. ये बात अब तक आपको समझ में आ गई. अगर मुझे सात में से फोर डिजिट नंबर चाहिए तो ऑब्वियसली इट इज 74. बट मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या डाल दिया, आई वॉन्ट अ फोर डिजिट नंबर, अ फोर डिजिट नंबर, बट इट शुड बी ग्रेटर दैन 3000. दैट मींस 1 2 3 4 चार नंबर से पहले प्लेस लगा गया आपका. यहाँ क्या क्या ऑप्शन चलता है आपको? ग्रेटर दैन 3000 का मतलब चलेगा क्या यहाँ? नहीं, अगर 1 होगा तो ग्रेटर दैन 1000 है, मुझे 3 से बड़ा चाहिए, 3 से कम नहीं चाहिए. मतलब यहाँ क्या क्या चलेगा ऑफ द गिवन ऑप्शन, आपको क्या क्या चलेगा? 3 चलेगा, 5 7 8 9 ऑब्वियसली ये सब चलेगा. क्या नहीं चलेगा? वो 1 और 2 यहाँ नहीं चलेगा. ठीक, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? 5. ऑब्वियसली इसमें से हम एक ही पिक करेंगे, एक ही पिक करेंगे. एंड नाउ अगर एक पिक हो गया, बाकी कितने बचे? मान लो अगर 9 पिक करे, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 ये 6 में से कितने अरेंज करना है आपको? 3 63. फाइनल आंसर 5p1 into 6p3. दिस इज पॉइंट क्लियर? ठीक है, ऑब्वियसली इसका कैलकुलेशन आप लोग करोगे. ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज आपके पास नंबर है 2 3 4 0 8 9 0 8 9 और मैंने आपको बोल दिया आई वांट अ नंबर बिटवीन 10 and 1000. आई वांट नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 10 and 1000. अब 10 and 1000 के बीच नंबर्स कितने रहेंगे? 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट रह सकते हैं क्या? अगर 5 100 total of 120.
125 being your final answer. So now, okay. Okay. एक क्वेश्चन यहाँ बच्चे गलती ना करते, मैंने यहाँ क्वेश्चन दे दिया 1 2 4 5 9 मान लो कोई देर के लिए एग्जांपल दे दिया और मैंने आपको बोल दिया find the number of numbers greater than 3000 3000 के ऊपर चाहिए। अब सीधी बात है 3000 के ऊपर चाहिए मतलब ये 4-digit नंबर हो गया, ठीक है 4-digit 1 2 3 4 यहाँ क्या चलता है आपको यहाँ क्या चलेगा? अगर मैं 1 लिखूंगा तो ऑब्वियसली 3000 से नीचे हो जाएगा तो नहीं चलेगा, तो 1 और 2 तो नहीं चलेगा, क्या क्या चलेगा 4 चलेगा 5 चलेगा 9 चलेगा, दैट इज एट टाइम 1 ही रहेगा, दैट इज 3p1 एट टाइम आप 1 पिक कर सकते हो। चलो 1 पिक कर लिया, अब यहाँ के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास? यहाँ तो 1 और 2 आ सकता है ना, अगर मैं यहाँ 4 पिक कर लूँ 4 1 कुछ भी आगे लिख दूँ वो नंबर ग्रेटर देन 3000 ही है, राइट? तो यहाँ पे एक नंबर पिक हो गया, बाकी कितने बच गए आपके पास? 1 2 3 4 चार में से कितने अरेंज करने हैं आपको? 3। फाइनल आंसर 4p3 खत्म हो गया यहाँ पे? नहीं खत्म क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्या बोल रहा है उसने? नंबर ऑफ नंबर, उसने ऐसा बोला क्या 4 डिजिट नंबर चाहिए मुझे? नहीं, आपने क्या सुन लिया 3000 से ऊपर चाहिए मतलब 4 डिजिट हो गया, खत्म ना हमारे 3000 से ऊपर 5 डिजिट तो आ सकता है ना, 5 डिजिट 5 नंबर था आपके पास 5 डिजिट आ सकता है, उसने नंबर ऑफ नंबर बोला है 5 डिजिट, अगर आप नंबर फॉर्म करते हो 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं और 5 एंट्रीज करना है, कैसे आप कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल बेस में दैट इज 5p5, दिस इज केस 1 और केस 2, क्लियर है पॉइंट? केस 1 और केस 2, केस 1 का जो भी आंसर आएगा प्लस केस 2 इसका 1 भी नहीं रहेगा, ये प्लस होगा एंड जो भी आंसर रहेगा आपका फाइनल आंसर रहेगा, पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पॉइंट है यहां पे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बोला है उसने, गलती बच्चे क्या करते हैं 3000 देखते हैं और 4 डिजिट नंबर ही बनाते हैं, अरे नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 3000 में 5 डिजिट तो आएगा ना, हमने 5 डिजिट का भी लिया, अगर केस 1 4 डिजिट का केस 2 5 डिजिट भी आ सकता है, पॉइंट क्लियर? ठीक नेक्स्ट, ऑब्वियसली आप सॉल्व करोगे ये दोनों प्लस करके। एक वर्ड है ट्रायंगल, अगर मैं इसको आपस में अरेंज करना चाहूं कितना है यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका आंसर आप बोलोगे 8 फैक्टर रहेगा 8 पे 8 में, क्या कोई रिपीट हो रहा है यहां पे? नहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब इसका फाइनल आंसर 8 पे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं द वर्ड आई वांट अरेंज दिस अरेंज द लेटर्स सच दैट the word angle is always present, the word angle is always present। अब वो क्या बोल रहा है? उसमें आपको angle word हमेशा चाहिए, वो दिखना चाहिए clear। मतलब अगेन साथ में है, मैंने आपको क्या कहा? Treat them as one unit। Treat them as one unit मतलब क्या? ये angle को मैंने साथ में रख दिया, a angle। ठीक है, ये एक हो गया। बाकी कितने आपके पास try? T R I मतलब आपको upward कितने हो गए? 1 2 3 4 चारों वापस मैंने इसके से करेंगे 4 factorization। अब मुझे बताओ क्या मैं एंगल को आपस में अरेंज कर सकता हूं? नहीं। अब आप पहले बोले तो पहले तो अरेंज कर सकते थे, अगर मैं इसको आपस में अरेंज करूं तो ये एनी तरह जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट मींस वो नहीं चलेगा, हमें हर वर्ड में एंगल चाहिए। मतलब क्या है? ये एंगल है, ये टी है, ये आर है, ये आई है, इनको अरेंज कर सकता हूं, दैट इज टी पहले लेके अगेन मुझे वर्ड का इतना एंगल और फिर आर और फिर टी सॉरी फिर आई, या फिर ये वर्ड एंगल को यहां पे जा सकता है या वर्ड एंगल को यहां पे जा सकता है, घुमाना जो भी है पूरा एंगल को साथ लेके जाना है, यू कैन नॉट अरेंज दिस वन, एंगल को आप अरेंज नहीं कर सकते, अरे एंगल को अरेंज करोगे इसका मतलब एंगल वर्ड हट जाएगा, मैं जहां पे देखूं जितने भी वर्ड बनाऊंगा जितने भी वर्ड्स मुझे क्या चाहिए यहां पे कि एंगल वर्ड हमेशा कितने चाहिए, एक है टी आर एंगल एंगल आई टी आर एंगल आई, फिर मैं बोलूं टी आई एंगल आर या फिर टी एंगल आर आई, दैट मींस हर वर्ड में मुझे ये क्लियर दिख रहा है एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, एंगल वर्ड वही रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है? मैंने उसको अभी क्या किया? रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे किया? आई टुक देम एज वन यूनिट, क्योंकि हमने सीखा है जिसको साथ में रहना है ट्रीट देम एज वन यूनिट, उनको निकालो मत उनको रखो, ट्रीट देम एज वन यूनिट, यहां पर एंगल को हमने साथ में रख दिया, एंगल ये एक यूनिट हो गया, इसके अलावा और तीन मेरे पास है, दिस आई आर टी, तीन तीन और एक चार, चार को अरेंज कैसे कर सकते हैं? 4 5 4 b 4 दैट इज 4 फैक्टोरियल इनटू में जरूर करता लेकिन इनटू ये एंगल को मैं चेंज कर ही सकता
इतना चीज क्लियरली, तो इसको मैं अरेंज कर सकता हूं, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, एक वर्ड है डॉटर, डी ए यू जी एच टी ई आर, कितना है डी ए यू जी एच टी ई आर। मैं यहां बोलूं अगर मैं कोई कंडीशन नहीं दूं, मैं आपको रूल से अरेंज कर रही है, इस तरह कोई भी मीनिंग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल, क्या कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होता तो आप डिवाइड कर लेते उससे, अगर नंबर दो बार डिवाइड रिपीट होता तो आप डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते, तीन बार रिपीट होता तो आप डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करते, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सच दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। मैंने आपको क्या कहा कि इसको अरेंज करो, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सच दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब कौन से, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ, मतलब ये वाले बीच में रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं है, ये जो डैश किया है मैंने बाहर जो है यहां पे, ये ऑड प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, सेवंथ फिफ्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, इन चार में से, और ये जो है ये इवन प्लेस है। सबसे पहले किस पढ़ेंगे, जिस पे रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन किस पे, वॉवल्स पे, वॉवल्स कितने हैं यहां पे, ए वॉवल है, यू वॉवल है, ई वॉवल, ठीक है, वॉवल्स के पास कितने प्लेस है, चार, लेकिन आपके वॉवल्स कितने हैं, तीन वॉवल्स है, मतलब चार प्लेस के लिए आपको सिर्फ तीन प्लेस की जरूरत करनी है, इसका आंसर क्या रहेगा, 4 पे 3 इनटू तीन वॉवल्स है ना, ओके। अब आप कैसे कितने प्लेसेस बाकी यहां बोलोगे, ये चार, अरे चार नहीं है, ये चार में से तीन अरेंज किया ना, एक ही तो बाकी है ना, ये वाला ये वाला ये क्या कर, एक वो भी तो बाकी है, एक वो और ये चार, पांच प्लेस बाकी हैं, वर्ड भी तो पांच बाकी है, डी जी एच टी आर, पांच वर्ड बाकी हैं और पांच अरेंजमेंट देखना है, इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, 5b5, द फाइनल आंसर विल बी 4b3 * 5b5। इज दिस पॉइंट क्लियर? देन अगेन जो कैलकुलेशन रहेगा वो आप करोगे आपके पास। अब ये जो हमने प्रॉब्लम्स देखे, ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, ऑब्वियसली हम कॉम्बिनेशन करने के बाद और थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन को मिक्स करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ कॉम्बिनेशन ही देख रहे हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं कॉम्बिनेशन के, जैसे मान लो इट इज np3 इज 60, फाइंड n, फाइंड n, ये क्वेश्चन है। अब प्योरली फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो बड़ी वैल्यू है हमेशा उसको ही रिड्यूस करो, मतलब अगर आपके पास ये 5 फैक्टोरियल है और यहां 3 फैक्टोरियल है, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 ना, तो 5 को रिड्यूस करोगे, रिड्यूस कैसे करोगे, 5 * 4 * 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हमने पहले भी देखा है, ठीक है, तो रिड्यूस किस पर है, जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो, जब भी आपके फॉर्मलाइजेशन है जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो, और इस तरह के प्रॉब्लम में ट्रायल एंड रन, ट्रायल एंड एरर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल एंड एरर, हम ट्रायल एंड एरर से भी ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ कीपिंग दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला है हमारा, npr का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, np3 क्या रहेगा, इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60। अब बताओ n बढ़ा है n माइनस 3, ऑब्वियसली n, अब अगर मैंने आपको पहले बताया था 5 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1, n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, पता नहीं जहां तक थी आगे लेके जाएंगे, बट हम अभी यहां पे स्टॉप कर सकते हैं। तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, n फैक्टोरियल, जैसा नाम पता है जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसको ही रिड्यूस करोगे, इसका आंसर क्या रहेगा, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, this cancels out, is equals to 60. Now, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो n into n prime will be cubic. Cubic equation है, थोड़ा और जो रहेगा वो calculation थोड़े और tough होते जाएंगे, but इसको हम trial and test करेंगे. अब एक बार note करोगे, n minus 1, n minus 2 are consecutive numbers. ये consecutive जा रहे हैं, n minus 1, n minus 2, ये consecutive numbers हैं. मतलब ये अगर ये 8 है तो ये 7 है, ये 6 है. अगर ये 10 है तो ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है. तो ऐसे मल्टीपल्स ना हो तो तीन कॉन्सेक्यूटिव है. अगर मैं चेक करूं इट इज 5 × 4 × 3, 5 4 इज 20, 20 * 3 इज 60, दैट मींस आई कैन से n × n − 1 × n − 2 इज 5 × 4 × 3, दैट मींस आई कैन क्लियरली से n हैज टू बी 5,
इस पॉइंट क्लियर। ये था हमारा ट्रायल एंड एरर, हमने क्या किया 60 60 को एक तीन पॉजिटिव लिया, क्यों मैंने यहां देखा ये तीन पॉजिटिव नंबर्स है, n n 1 n 2, इस पॉइंट क्लियर। आप आपको ये बोल सकते हो कि n 1 भी तो 4 है, ठीक है ना, n 1 अगर 4 है तो n 1 निकल जाएगा, एक 5 हो जाएगा, तो आप कोई वैल्यू पिक कर सकते हो, n के आंसर 5 ही आएगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, adding up these two equations, I am having m plus n is equals to
6 adding up these two equations will give me 2m and n cancel ho jayega is equal to 14 m has to be 7 agar ye 7 hai to 7 plus what number is 8 1 and therefore n has to be 1 7 plus 1 is 8 is this point clear theek okay one last concept in this m combination yahan khatam ho jayega kuch advanced problems rahenge aapke aaj homework ke that is set a or set b उसके अंदर सेट बी में आपको कुछ सर्कुलर कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना राउंड टेबल वाले वो आपको अभी नहीं करने बाकी सारे आपके होमवर्क रहेंगे आज के नेवर टेक स्पेस एंड ऑलवेज टेक स्पेस चीज क्या है ये तो थ्योरम है एक्चुअली बट ये थ्योरम को हमको समझना है बिकॉज़ मैं अगर n माइनस 1 और r माइनस 1 वाले को तो आप समझ नहीं पाओगे बेसिकली क्या चीज है मैं बोल रहा हूं नेवर एक्सपेक्ट मान लो मेरे पास 7 लोग हैं मान लो मेरे पास 7 लोग हैं और 7 में से आई हैव टू 7 पीपल आई हैव टू अरेंज 3 अरेंज 3 पीपल ठीक है इसका आंसर क्या रहेगा सीधे सीधे आप बोलोगे सर मैं पीपल का तो खत्म करो ठीक है बट मैंने आपको क्या बोला एक कंडीशन डाल दी मुझे चाहिए कि इसमें से एक आदमी हो ही नहीं कभी भी नहीं हो नेवर अगर नेवर अगर मतलब एक आदमी चाहिए ही नहीं मुझे चाहिए नहीं तो सीधे ठीक है ना उसको पहली बार करो ना ये सात में से पहले उसको बार करो मतलब आप आंसर किसमें से लाओगे 6p3 में से सिंपल दैट इज नेवर टेक दिस नेवर टेक दिस मतलब मैं क्या बोल रहा हूं वो एक बंदा मुझे नहीं चाहिए कभी भी नहीं चाहिए मुझे अरेंज करना है उसको सामने दिखना नहीं चाहिए दिखना नहीं चाहिए मतलब क्या उसको पहली बार करो पहली बार करो सात में से अगर आपको कभी भी नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे आप पहली बार करो ये 6 में से आप तीन लोगों को अरेंज करो इसका मतलब मैं इसका आंसर क्या बोल सकता हूं अगर 7 लोग थे आपने अरेंज किसमें से किया 6 में से जितना आपको चाहिए थे दैट मींस अगर यहां n थे इसका आंसर क्या रहेगा n 1 pr आपके पास 7 थे आपने स्टार्ट कहां से किया 6 से क्यों स्टार्ट किया क्योंकि मैंने बोला नेवर टेक स्पेस दैट इज एक जो है वो कभी आने नहीं चाहिए कभी नहीं आना चाहिए मतलब क्या मैंने सुबह बात की ठीक अब मैं बोल रहा हूं ऑलवेज टेक स्पेस मतलब क्या मैं बोल रहा हूं एक हमेशा चाहिए ये 7 में से ना एक बंदा मुझे हमेशा चाहिए एक हमेशा चाहिए तो ऑब्वियसली ये तीन में से एक सिलेक्ट करोगे आप 3p1 ठीक 3 या फिर 3p1 या फिर 3 आपने बोल दिया यहां पे 3p1 ऑब्वियसली 3 अब बाकी के आप कितने अरेंज कर सकते हो मुझे टोटल कितने चाहिए थे 3 टोटल थे मेरे पास 7 अब क्या करोगे आप अब मेरे पास 6 बच गए क्योंकि एक ऑलरेडी आ गया ना आपके पास अब 6 में से आपको कितने अरेंज करने हैं सिर्फ 2 दैट मींस अब क्या होगा ये क्या हो गया n minus 1 p r minus 1 हमने से डरो मत चेक करो क्या ये मैंने क्या किया 7 थे मैंने 6 चूज किया क्यों एक ऑलवेज सिक्स प्लस 1 ऑलवेज सिक्स मतलब एक तो ऑलरेडी आ गया ना और कितने सेलेक्ट करने आपको सॉरी अब कितने अरेंज करने आपको दो अरेंज करने पहले 3 थे अब 2 क्योंकि एक ऑलरेडी आ गया एंड ये 3p1 वाज नथिंग बट r इसका आंसर क्या आ गया r into n minus 1 p r minus 1 क्लियर पॉइंट ओके वी स्टॉप हियर आज का होमवर्क आपका सेट ए सेट बी सिर्फ